एबीपीएस न्यूज। दिन शनिवार को जनपद भदोही में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले ब्लॉक भदोही के सभागार में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिव भूषण उपाध्याय उर्फ गोपाल ने प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधान एकजुट होकर दुर्व्यवस्था का विरोध करें, नहीं तो जिला प्रशासन हम प्रधानों का उत्पीड़न बंद नहीं करेगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल उपाध्याय ने कहा कि शासन भीख की तरह 3500 रुपए मानदेय देकर हम प्रधानों के ऊपर राजनीतिक दबाव में लाखों का गमन लगाकर हम प्रधानों के ऊपर मुकदमा कायम करवा रही है। साथ ही बताया कि आवाज का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजकर हम प्रधानों के ऊपर फर्जी आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान आवास का पैसा निकाल रहे हैं, तथा साथ ही बताया कि अखिल भारतीय प्रधान संगठन ग्राम प्रधानों के लिए न्याय व उनके सम्मान के लिए हमेशा से कार्य कर रहा है और आगे भी इसी तरह प्रधानों के सम्मान के लिए लड़ता रहेगा। गोपाल उपाध्याय ने कहा कि प्रधानों को 30,000 वेतन और 10,000 पेंशन देने की मांग भारत के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से की है। जिला अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्र ने उपस्थित प्रधानों को अखिल भारतीय प्रधान संगठन के अपने चैनल एबीपीएस न्यूज के सदस्य बनने पर जोर देते हुए कहा कि हम अपने संगठन के साथ शीघ्र ही देश में प्रधानों की मांग एवं उनकी मांगों के लिए विशाल धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। बैठक में जिला अध्यक्ष श्री राम दुबे, जिला मंत्री दीपक तिवारी, जिला उपाध्यक्ष दुर्गेश सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष पवन सिंह, शाह आलम, मुन्ना सिंह सहित दर्जनों प्रधान उपस्थित रहे। और जितनी